इसके साथ ही आगामी आने वाला विधानसभा का सत्र है, उसमें ये पुलिस अधीक्षक ढूंढ के इस कारनामे को प्रदेश की जनता के सामने रखूंगा और विधानसभा में इस मामले को उठाकर पूरे प्रदेश और देश की जनता को बताऊंगा कि नया पुलिस अधीक्षक जो आईपीएस बनके जनता की सेवा के लिए आते हैं किस प्रकार लूटने का काम करते हैं। जनता को पुलिस के थाना प्रभारियों को जब माहवारी वसूल करेंगे, पोस्टिंग पैसे लेकर करेंगे, तो पुलिस के थाना प्रभारी आम जनता को लूट कर झूठे मुकदमे फंसाने का काम करते हैं और उनसे वसूली करते हैं। इसीलिए मैंने उनको आज चेतावनी के रूप में और शिवराज सिंह सरकार, शिवराज सिंह जी को जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री शुरुआत में कर बैठती प्रारंभ हुई है उस पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अनुरोध किया है कि कठोर कार्रवाई करें, अन्यथा ये भ्रष्टाचार की गंगा पूर्व की तरह आपके कार्यकाल में जो प्रभावित थी पुनः प्रभावित हो जाएगी।